हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, जिन लोगों को कोरोना वायरस की वजह से निमोनिया बन जाता है, उनका SpO2 कम होने लगता है, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, CT स्कैन करवाना है चेस्ट का, और एंटी इन्फ्लेमेटरी लेनी है, और भी दवाइयाँ लेनी है जैसे लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन, या फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 रहता है और 6 मिनट वॉक करने के बाद या 6 मिनट तक एक्सरसाइज करने के बाद ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता है, लेकिन वो 2-3% ड्रॉप करता है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर वो 5% से ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, जैसे 95 था, अब 6 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद वो 90 हो गया, तो ये डरने वाली बात है। इस कंडीशन को हम हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं, मतलब नॉर्मली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब थोड़ा सा आप एक्सर्शन करेंगे, थोड़ा सा आप वर्क करेंगे, और या फिर चलेंगे, या फिर एक्सरसाइज करेंगे, या तेज़ या ब्रिस्क वॉक करेंगे, तो तुरंत ही ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है कोविड में, और जिन लोगों को कोविड की वजह से निमोनिया डेवलप हो रहा है, लंग में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मोर्टैलिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से डेथ ज़्यादा हो रही है, उनमें हैप्पी हाइपोक्सिया देखा गया है। उनको हाइपोक्सिया हो जाता है और शुरू में पता नहीं चलता है, और अचानक से ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगता है। इसलिए इस समय अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है, थोड़ा सा भी रिस्क लग रहा है, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि छाती में दर्द हो रहा है या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तुरंत आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन कम कीजिए। 90% से कम है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। 95% से कम है, या फिर 95 या 96 है, और 6 मिनट वॉक या एक्सरसाइज करने के बाद 5% से ज़्यादा कम होता है, तो तुरंत आपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है आपके डॉक्टर CT स्कैन चेस्ट का करवाने के लिए एडवाइस करे, तो वो आप करवा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।